क्या राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड बना पाएंगी वसुंधरा राजे? क्या राजस्थान में कांग्रेस पर भारी पड़ेगा आत्मविश्वास? हर 5 साल बाद सत्ता बदलने के लिए मशहूर राजस्थान की जनता एक बार फिर से फैसला करने की तैयारी में है। सूबे में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस जहां उत्साह से लबरेज होकर सूबे से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, तो वहीं वसुंधरा राजे भी सत्ता अपने पास रख कर रिकॉर्ड बनाने की फिराक में है। हाल ही में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में पीएम मोदी का ग्रैंड शो कराकर सूबे की फिजा को भगवामय करने की कोशिश की है। पीएम के इस कार्यक्रम के बहाने राजे ने भी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रख दिया। सीएम का ये प्रोग्राम भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि वो लोग लगातार राजस्थान सरकार के योजनाओं की नाकामी का ढिंढोरा पीटते रहे हैं। जाहिर है वसुंधरा राजे ने अपने कामकाज को जिस तरह पेश किया उससे विरोधी खेमा पशुपेश में है, तो वहीं इस कार्यक्रम ने राजस्थान बीजेपी में भी सकारात्मक संदेश देने का काम किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम, सीएम और नवनियुक्त प्रदेश के पार्टी प्रमुख का एक मंच पर होने से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। पार्टी मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लगी है। कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान पर पंजे की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस के दो बड़े नेता सचिन और अशोक गहलोत दो धुरी होने के बावजूद जनता के सामने एकजुट नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के आला नेताओं को लगता है कि राजस्थान में बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, तो वसुंधरा राजे का मानना है कि कांग्रेस का यही आत्मविश्वास उसकी लुटिया डुबो देगा। अब किसके दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।